जब देश का प्रश्न उठता है तो खाली कांग्रेस दिखाई देती है और सब छोड़कर भाग जाते हैं। कश्मीर में भी यह हुआ, एक आंदोलन चला, वो शक्तियां ऊपर आईं जो आजादी से के बाद पहली बार दिखलाई दी थी। शेख साहब के नीचे उनका नाम निशाना नहीं था, लेकिन एकदम से बाहर आने लगे। उनको हौसला कहां से मिला? हमारे हरेक विपक्ष दल के नेता से मिला, कॉन्क्लेव से मिला। जब इनका मुकाबला करना पड़ा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, इसी तिरंगे झंडे के नीचे। जब हम उनका मुकाबला कर रहे थे, जब हम उनका सामना कर रहे थे, तो विपक्ष दल के नेतागण श्रीनगर में बैठ के कॉन्क्लेव कर रहे थे। उन्होंने ऐसा वातावरण खराब किया, ऐसे बुरे बयान दिए कि कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर में निकलने लगा। और हमें और भी ज्यादा दुख हुआ जब इन नेताओं ने झंडा देखने के बाद भी अपनी आवाज नहीं उठाई देश के हित में। जब देश का प्रश्न उठता है तो खाली कांग्रेस दिखाई देती है और सब छोड़कर भाग जाते हैं। कश्मीर में भी यह हुआ, एक आंदोलन चला, वो शक्तियां ऊपर आईं जो आजादी से के बाद पहली बार दिखलाई दी थी। शेख साहब के नीचे उनका नाम निशाना नहीं था, लेकिन एकदम से बाहर आने लगे। उनको हौसला कहां से मिला? हमारे हरेक विपक्ष दल के नेता से मिला, कॉन्क्लेव से मिला। जब इनका मुकाबला करना पड़ा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, इसी तिरंगे झंडे के नीचे। जब हम उनका मुकाबला कर रहे थे, जब हम उनका सामना कर रहे थे, तो विपक्ष दल के नेतागण श्रीनगर में बैठ के कॉन्क्लेव कर रहे थे। उन्होंने ऐसा वातावरण खराब किया, ऐसे बुरे बयान दिए कि कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर में निकलने लगा। और हमें और भी ज्यादा दुख हुआ जब इन नेताओं ने झंडा देखने के बाद भी अपनी आवाज नहीं उठाई देश के हित में। आज जब हम संस्कृत को देखते हैं तो हमें एक बहुत सुंदर, बहुत गहरी भाषा दिखाई देती है जो भारत के कोने कोने तक पहुंची हुई थी। भारत में सदियों से हर तरह की संस्कृति आई है, मिली है, लेकिन भारत की एक ऐसी शक्ति रही है कि चाहे ऊपर से हम पर कुछ भी डाला गया, हम नहीं बदले। हमने हमारी परंपरा में उसे मिला दिया और हम उससे फायदा पाए, हम उससे और मजबूत हुए, हम उससे और ऊंचा उठे। ये हमें आज भी करना है। हमें देखना है कि जो हम विदेश से ले रहे हैं वो ऐसा ही हो कि भारत की परंपरा के साथ चल सके। Fears that keeps being thrown up when we talk of elections at the local bodies and zilla level is that the stronger groups, whoever they may be in that village or district, tend to take over, and then the weaker sections will just be bullied and forced to do various things. But from listening to the DMs in the last two sessions and talking with them, I get the feeling that there is an equally strong, perhaps stronger opinion that if you do have regular elections, then the elections at the local level really break across all these barriers. And these barriers which politicians and people at higher levels tend to build on get really demolished at the local level. I have already given very clear instructions to the Planning Commission and they've started work.
on the 8th plan. The 8th plan will be built from the district level upwards and not from Delhi down to the district level. We've already told them categorically to do so.